हेलो गाइस, दिस इज सचिन डोडी ऑन बिहाफ ऑफ बी एडू केयर, और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के दिन की पांच बड़ी खबरें। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट फाइव बिग न्यूज ऑफ फेब्रुअरी 9, 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर, साउथ कोरिया टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। जी हाँ, साउथ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म, यानी कि ऐसा एक फार्म जिसके अंदर बहुत सारे, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, विंड मिल्स होंगे, ये साउथ कोरिया का इरादा है कि 2030 तक वो कंप्लीट करे। ये 8.2 गीगावाट ऑफशोर विंड पावर कॉम्प्लेक्स जो है, इट विल कम अप इन दी जियोनम प्रोविंस। तो जो साउथ कोरिया का जियोनम प्रोविंस है, उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स होने वाला है। दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड ऑन फेब्रुवरी 5, 2021 बाय द मून जे इन एडमिनिस्ट्रेशन After signing the US dollar 43 billion deal, तो 43 billion dollar की deal sign करने के बाद जो मून जे इन की administration है, मून जे इन कौन है? मून जे इन साउथ कोरिया के प्रेजिडेंट है, उनकी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की फरवरी 5, 2021 को। ये इसलिए साउथ कोरिया कर रहा है बिकॉज साउथ कोरिया के पास खुद की कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है, खुद वो कुछ एनर्जी उत्पादन नहीं करता है। वो सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी साउथ कोरिया की है वो है कोयले पे, तो बहुत ज्यादा कोल इंपोर्ट करता है साउथ कोरिया। कोल जो है वो बहुत ही सस्ती चीज होती है और उससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन तो हो जाता है, चीप होता है काफी, लेकिन चीप होने के साथ साथ ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट को बहुत हार्म देता है। इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया 40% उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, 40% बिजली है वो उत्पादन करता है कोयले से, इसलिए इसको रिड्यूस करने की वजह से, इसके रिड्यूस करने की मंशा लेकर के ये विंड फार्म बनाया जा रहा है। ये विंड फार्म बनाने के बाद जो साउथ कोरिया ने एक मिशन रखा है कि 2050 तक पूरी की पूरी तरीके से वो कार्बन फ्रेंडली हो जाएगा, तो उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है जो वो दुनिया पे छोड़ रहा है वो पूरी की पूरी पूरी तरीके से वो खत्म कर देगा। सो इट विल अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। सेकेंड बिग न्यूज, नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट होजी ओकोंजा इवियाला टू बिकम द फर्स्ट फीमेल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चीफ। तो जो नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट है, जो अर्थशास्त्र शास्त्री है वहां की, नाइजीरिया की, जो कि अफ्रीकन देश है, जिनका नाम है होजी ओकोंजो इवियाला, ये बनने जा रही है न्यू चीफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चीफ बनने जा रही है। ये ना केवल दुनिया की पहली महिला WTO चीफ होंगी, पर दुनिया की पहली अफ्रीकन WTO चीफ भी यही होंगी अगर ये बनी तो। ये तब हो रहा है जब ट्रम्प गवर्नमेंट थी, तब इन्हें सपोर्ट नहीं था, तब साउथ कोरिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था ट्रंप गवर्नमेंट ने, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स के अभी के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने सपोर्ट दिखाया फरवरी 5, 2021 से, और उन्होंने बोला कि हम पूरी की पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं गोजी ओकोंजो इवियाला को। उन्होंने ये भी कहा कि जो गोजी ओकोंजो इवियाला हैं, इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, शी हैज अ वेल्थ ऑफ नॉलेज इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी and economics, and she also has proven experience in managing a large international organization. So, isse after Biden administration gave this support, this deadlock over selection of the new WTO chief seems to have been come to an end, and we will soon have her as the WTO chief. Another news: government to invest 400 crores in Goa to develop fisheries hub. 400 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए जाने वाला है गोवा में, उसको एक फिशरी का हब बनाने वाले हैं। इसके अंदर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज है, जिनका नाम है गिरिराज सिंह, उन्होंने 7 फरवरी 2021 को ये ऐलान किया कि 400 करोड़ गोवा में इन्वेस्ट किए जाने वाले हैं। इससे फिशरीज इंडस्ट्री जो है उसको रिवाइव किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान में थी रिसेंटली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, एंड एंश्योर किया जाएगा कि सेफ फिशिंग हो। इसके अंदर गिरिराज सिंह जी ने यह भी कहा है कि करीब करीब
41 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इन्वेस्ट 41.7 करोड़ रुपीस ऑलरेडी निवेश कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने टू हेल्प द स्टेट फॉर रिवाइविंग द फिशरीज इंडस्ट्रीज एंड इंश्योर सेफ फिशिंग। और बाकी का जो पैसा है उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसमें केज कल्चर जो कि केज फिशिंग होता है वो भी लाया जाएगा गोवा में, और जो जेटीज होती हैं 30 फिश लैंडिंग जेटीज जो है वो यहाँ पे गोवा को देने की बात हुई है। ऑलरेडी गोवा के पास 9 लैंडिंग जेटीज है जो कि टूरिज्म और फिशिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं, अब 30 और होगी, तो सोचो कितना ज्यादा फिशिंग का जो है वो बढ़ जाएगा आफ्टर हैविंग एटलीस्ट 3 टाइम्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द करेंट जेटीज। अगली खबर, बीसीसीआई जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, इट गेट्स परमिशन टू यूज ड्रोन्स फॉर एरियल फिल्मिंग ऑफ मैचेस। जी हाँ, तो अब मैच की जो फिल्मिंग होगी, जो सिनेमेटोग्राफी है जो आपको टीवी में दिख रहा है, उसके लिए अब ड्रोन्स का यूज बीसीसीआई करेगा टू कैप्चर ऑल द वीडियो एंड ऑल द लाइव अपडेट्स, द लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ द मैचेस। ये अप्रूवल उन्हें मिल गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से और डीजीसीए जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की, वो अब ड्रोन जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं लाइव एरियल फिल्मिंग ऑफ क्रिकेट मैचेस इन 2021। ये जो कंडीशन है, ये जो एग्जेम्पशन दिया गया, ये कंडीशनल एग्जेम्पशन दिया गया, ये 31 दिसंबर 2021 तक ही ये इन्हें परमिशन दी गई है, और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस बीसीसीआई फुलफिल नहीं करता है तो ये जो परमिशन है, ये जो अप्रूवल है, ये पीछे भी ले लिया जाएगा। आखिरी खबर और बहुत ही दुखद खबर, एक्टर राजीव कपूर डाइड एट 58। जी हाँ, जो हमारे राजीव कपूर साहब हैं वो हम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हमें अलविदा कह गए हैं, और इनकी जो मौत हुई है वो 9 फरवरी 2021 को एक कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक इनको आया। इनके जो रेजिडेंस है वहां पे चेंबूर में, मुंबई के चेंबूर इलाके में ये रहते हैं, वहां पे उन्हें आया। 58 ईयर्स के थे राजीव कपूर जी जब उनकी डेथ हुई है, और ये रणधीर कपूर के छोटे भाई हैं, और ऋषि कपूर जो हैं जिनकी अभी हालिया की रिसेंटली कुछ महीने पहले ही उनकी भी डेथ हो गई, उनके भी भाई हैं, और जो राज कपूर हैं उनके बेटे हैं। इन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं, सबसे फेमस मूवी इनकी अगर आप बोलो सबसे हिट मूवी तो वो राम तेरी गंगा मैली और हम तो चले परदेस, आसमान, ऐसे बहुत सी इन्होंने हिट मूवी दी है, और बहुत ही दुखद घटना ये। मे हिज मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। तो ये था हमारा 5 खबरें 9 फरवरी 2021 की। वी विल मीट सून एंड वी विल डिस्कस द करंट अफेयर टॉपिक्स ऑफ डेज कमिंग अहेड। तब तक के लिए लाइक आई ऑलवेज से, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जो नीचे बेल आइकन है उसको आप दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। तो गुड बाय गाइज, टेक केयर।